अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, तो सोमा क्लोनल वेरिएशन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन होती है जो आप ऑब्जर्व करते हो प्रोजनी के अंदर। प्रोजनी प्लांट, प्रोजनी हम कहते हैं बच्चों को, मतलब के ऐसे प्लांट जो किसी कल्चर में प्रोड्यूस हुए हों, ठीक है ना, या फिर कल्चर के अलावा कोई रिप्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस होंगे, मतलब के बच्चे प्लांट, ठीक है ना, किसी मदर और पेरेंट की जो है वो गैमेट्स के मिलने से जो बच्चा बनता है उसको हम प्रोजनी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ सोमा क्लोनल वेरिएशन, इट इज़ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोजनी प्लांट, प्रोजनी प्लांट के अंदर। और ये प्रोजनी प्लांट कब किस तरह बनता है कि इसके अंदर वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रोजनी प्लांट इन विट्रो सोमेटिक टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस होता है, टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो सोमेटिक इन विट्रो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाली प्रोजनी के अंदर जो आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व करते हो, इसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसके लिए मैं रियली रियली सॉरी करती हूँ आपसे कि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है और मैं अपने सबसे लास्ट वाले रूम में जाके बैठी हूँ ताकि इसको अवॉइड किया जा सके, लेकिन यहाँ पे भी मुझे इसका शोर आ रहा है, तो ओबियसली आपको भी आ रहा होगा। तो टर्म जो है सोमा क्लोनल वेरिएशन की, ये जो है वो साइंटिस्ट ने दी थी हार्किन और स्कोक्रॉफ्ट ने। ठीक है, जो सोमा क्लोनल वेरिएशन की टर्म जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका, उनका नाम था दोनों का हार्किन एक था और दूसरा था स्कोक्रॉफ्ट। क्लियर, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होती है इसका मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इस वेरिएशन का, मैकेनिज्म ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म हम देखते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन के प्रोसेस में, एक है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, इसको हम हेरिटेबल वेरिएशन भी कहते हैं, जेनेटिक और हेरिटेबल वेरिएशन। ठीक है, और दूसरी है हमारे पास एपिजेनेटिक और नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। क्लियर, तो हम देखेंगे ये जेनेटिक और हेरिटेबल वेरिएशन क्या है। प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद होती है वेरिएशन सोमेटिक सेल्स के अंदर। दिस वेरिएशन इज प्री एग्जिस्टिंग, मतलब के सोमेटिक टिश्यू कल्चर के प्रोसेस से पहले ही वेरिएशन ये मौजूद थी। ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन होती है किन चीज़ों में, किस चीज़ में होती है, ये सोमेटिक सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा, और ये फैक्टर्स होती है सीवरल, एक है हमारे पास डी म्यूटेशन, ठीक है, कास्ड बाय म्यूटेशन और डीएनए चेंज, और डीएनए चेंज की वजह से। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ना ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी भी होती है, अकर एट हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जो एपिजेनेटिक वेरिएशन है ये हमारे पास होती है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, और ये चेंज जो होती है, ये वेरिएशन जनरेट होती है सोमेटिक टिश्यू कल्चर के दौरान ही, मतलब के पहले ठीक ठाक था सेल, वेरिएशन हुई है इस सोमेटिक टिश्यू कल्चर के दौरान। वेरिएशन ड्यूरिंग सोमेटिक टिश्यू कल्चर, सोमेटिक टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के दौरान ही ये वेरिएशन हुई है। तो ये टेम्पोरेरी फिनोटिपिक चेंजेस से होती हैं। ठीक है, कास्ड बाय द टेम्पोरेरी फिनोटिपिक चेंजेस, इसकी वजह जो थी प्री एग्जिस्टिंग, ये पहले से ही कोई म्यूटेशन हुई थी सेल के अंदर, ठीक है, या फिर कोई डीएनए का चेंज हुआ था सेल के अंदर, इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग ये टिश्यू कल्चर से पहले ही बेचारे सेल को काम पड़ चुका था। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टेम्पोरेरी फिनोटिपिक चेंज हुई है, मतलब थोड़ी देर के लिए जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस
वायरस है ना, उसके बाद टेम्पोरेरी फिनोटाइप चेंज हुई है, मतलब फिनोटाइप चेंज हुई है उसकी, नेक्स्ट जीन्स के अंदर नहीं चेंज आया है कि पूरी प्रोजनी ही बेचारी ख़राब हो जाए, लेकिन इसके अंदर टेम्पोरेरी फिनोटाइप चेंजिंग फिनोटिपिक चेंजिंग आई है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन की कुछ एप्लीकेशंस की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो एक है प्रोडक्शन ऑफ द नोवल प्लांट, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ नोवल प्लांट, ठीक है। तो नोवल प्लांट एक नई प्लांट की वैरायटी का प्रोड्यूस करना जिसके अंदर यूनिक करेक्टर्स हों, ठीक है। व्हाट इज़ नोवल प्लांट? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट वैरायटी, ठीक है, विच हैव यूनिक करेक्टर्स, ठीक है। तो नोवल सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन जो होते हैं ना, ये करते हैं, ये एक नई प्लांट की वैरायटी बना देते हैं, ठीक है, जो न्यू वैरायटी ये प्रोड्यूस करती है सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन। ये जो वैरायटी होती है इसके अंदर यूनिक करैक्टर्स होते हैं, जिस तरह के डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सकता है ये, ठीक है, इसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंसी हो आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस जो होती है ना, ये फर्स्ट टाइम अगर देखी गई थी ना, वो अगर हम देखें सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन से, वो इंड्यूस करवाई गई थी शुगर कैन के अंदर, किन किन चीज़ों के बीमारियों के खिलाफ, अगेंस्ट जो है वो आई स्पॉट डिजीज़, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, उसके अलावा है हमारे पास फिजी वायरस वगैरह के खिलाफ जो है वो ये रेजिस्टेंस देखी गई थी, ठीक है, ताकि प्लांट को कैलस से रीजनरेट करवाया जा सके, ठीक है। आगे है हमारे पास सेकंड स्टेप है ए बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी सेकंड एप्लीकेशन है वो सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन से हम ए बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट के अंदर। तो ए बायोटिक स्ट्रेस हमारे पास हो सकती है कोल्ड स्ट्रेस है, साल्ट स्ट्रेस है, विंड स्ट्रेस है, ड्राउट स्ट्रेस वगैरह है, ठीक है ना। तो सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन जो होती है इससे सीवरल प्लांट के जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर हम ए बायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ टॉलरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे पास है यहाँ पे कोल्ड टॉलरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास साइंटिस्ट था लेजर, इसने सोमाग्लोबुलिन वेरिएंट डेवलप किया है ताकि इनके अंदर नॉर्थ स्टार विंटर वीट के अंदर, ताकि नॉर्थ स्टार विंटर वीट को कोल्ड टॉलरेंस प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, विंटर वीट, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक कोल्ड टॉलरेंस है, दूसरा है हमारे पास साल्ट टॉलरेंस, ठीक है, साल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से। तो सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन वेरिएंट जो होता है हमारे पास, मेंडल था साइंटिस्ट, मेंडल एट ऑल ये साइंटिस्ट था, इसने वेरिएंट जो डेवलप किया था सोमाग्लोबुलिन वेरिएंट BTS, ठीक है ना, 24 वो वाला BTS नहीं, ये यहाँ पे वेरिएंट BTS है, ये वेरिएंट का नाम है सोमाग्लोबुलिन वेरिएंट। तो ये किससे डेवलप किया गया था? राइस कल्टीवर पटकाली के अंदर ना इसको डेवलप किया गया था अगेंस्ट साल्ट टॉलरेंस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ड्राउट टॉलरेंस जो है वो प्रोड्यूस करवाया गया है। तो ड्राउट टॉलरेंस की बात हम थर्ड पे देखते हैं, ड्राउट टॉलरेंस, क्लियर। तो ड्राउट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास है सोमाग्लोबुलिन वेरिएंट लाइन है एक R111, ठीक है, वो जो होता है ये डेवलप किया गया था सॉर्गम के अंदर, इस वेरिएंट को डेवलप किया गया था ताकि ड्राउट के खिलाफ टॉलरेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस 4 पे, ठीक है, हर्बिसाइड एरेज कर देते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस।
तो इन जो सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन से ना हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, और प्लांट को रीजनरेट भी कर सकते हैं कंप्लीट प्लांट के अंदर ना, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास है तो एग्जांपल जो ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सोमाग्लोबुलिन वेरिएंट्स वो है सोयाबीन के अंदर, ठीक है, उसके अलावा वीट के अंदर, ठीक है, और इसके बाद मेज़ के अंदर, ठीक है, इनके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वेरियस हर्बिसाइड्स के ख़िलाफ़, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सोमाग्लोबुलिन वेरिएशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।